दोस्तों फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आईटीआई करके किस तरीके से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बहुत सारी समस्याएं झेली हैं और उन समस्याओं को फेस किया है और आगे बढ़ा हूं, तो आपके लिए भी बताना चाहता हूं कि आप भी यदि किसी समस्या से परेशान हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि हम किस तरीके से आईटीआई करके अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं आपको छोटी छोटी सारी बातें बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने जब टेंथ किया तो टेंथ के बाद कोई रास्ता नहीं था कि टेंथ के बाद भाई क्या होता है, कैसे होता है, हम टेंथ के बाद ही आईटीआई कर सकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था बिल्कुल भी। आप कई लोग भी ऐसे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि टेंथ के बाद ही आईटीआई हो जाती है, तो आप लोग भी ऐसा कर रहे होंगे जैसे मैंने किया था। जब मैंने टेंथ कर लिया तो टेंथ करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई इलेवेंथ में क्या लीजिए, उन्हें फिजिक्स पीसीएम ले लीजिए। ज्यादातर बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं रहता कि भाई पीसीएम में क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने भी जब इलेवेंथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया, पीसीएम ले लिया और ट्वेल्थ पास कर लिया। ट्वेल्थ पास करने के बाद अब हमारे जानकारी में कोई ऐसा वो नहीं था तरीका भी, अब हम क्या करें भाई। तो अपना सामान जैसे ही जहाँ पढ़ते थे वहीं अध्ययन करते थे एमपी में जैसे ही, तो वहां से जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ अपना पूरा सामान ले जाके घर पर रख लिया और दोनों हाथ पर हाथ रख के रह गए। किसी को कोई मालूम नहीं क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। और गांव क्षेत्र में ये ज्यादातर होता है कि उनके जो गार्जियंस रहते हैं उनको मालूम नहीं रहता, जो करे वो बच्चा करे, बच्चा को जो करना है अच्छा करना है तो उसके लिए भी गार्जियंस कहाँ है, और बुरा कोई करना है तो उसके लिए भी गार्जियंस कहाँ है, क्योंकि वो इतने जानकार नहीं रहते हैं। तो जब हम सामान उठा करके गाँव में पहुंच गए और हम जब तक रिजल्ट आया जब तक गांव में ही रहे, जब रिजल्ट आ गया तो इसके बाद भी हमें कुछ मालूम नहीं था कि हमें क्या करना है। तो कुछ किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब फिर देखा कि इसमें एक जो एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम कम पैसा खर्च के करके कुछ कर सकते हैं, वो एक माध्यम जो है कम पैसे में वो है आईटीआई करना। तो हमारे कई सारे मित्र रिश्तेदार उन सबों ने बताया कि भाई आप आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई जो बताने वाले थे उन्होंने ये बोला कि भाई ये पक्का नहीं है कि आईटीआई करने के बाद नौकरी लग ही जाए। ये किसी ने नहीं बताया कि उसमें भी अगर हम पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें तो नौकरी लग सकता है। उन्होंने ये बोला कि भाई तुम आईटीआई कर लो, आपका आपका पैसा है, आपको करना है, नौकरी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, आप रिस्क आपका है। बाद में ये मत बोलना कि आपके मैंने आईटीआई के लिए बोला था मेरी नौकरी नहीं लगा, तब पर मैंने रिस्क लिया, चलो ठीक है हम आईटीआई कर लेते हैं। हमने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। तब मैं आईटीआई कॉलेज में जब आया तब मेरे को बताया कॉलेज वालों ने, प्रिंसिपल सर ने बताया कि भाई टेंथ के बाद ही आईटीआई हो जाती है, आपने ट्वेल्थ किया है ठीक है, बेस मजबूत हो जाता है। तब मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया। उस समय ये था कि जो स्कॉलरशिप वगैरह वो नहीं आता था तो हम लोगों का खर्च जो होता था ज्यादा हो जाता था। आज के समय में आईटीआई में क्या है, चाहे आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट में क्या होता है फीस कम लगता है तो स्कॉलरशिप कम आता है, आप प्राइवेट से करोगे तो फीस थोड़ा ज्यादा लगेगा, 30,000 से 35,000 रुपए फीस लगेगा, लेकिन आपका 2 साल में स्कॉलरशिप आ जाएगा 30,000 से 35,000 रुपए। तो फीस का कोई ज्यादा इशू इसमें नहीं रहता है, आपको थोड़ा रूम का और जो रहने खाने का खर्चा थोड़ा लगेगा, लेकिन फीस में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और आईटीआई जो करने में एक सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इसमें फीस का खर्चा ज्यादा नहीं है। यदि आप इसी तरह से आप इंजीनियरिंग और अगर मेडिकल लाइन में जाओगे तो फीस बहुत अधिक होती है। तो जब मैंने आईटीआई शुरू किया तो मैं आईटीआई में आया तो हमारे मन में तो यही था कि भाई आईटीआई कर लेते हैं, नौकरी लगे ना लगे। लेकिन जब मैंने आईटीआई आके देखा कि कई बच्चे तो केवल आईटीआई करने के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही तुरंत सेलेक्ट हो जाते हैं और उनकी किस्मत चेंज हो जाती है, वो 1 साल के बाद उनका चेहरा चेंज हो जाता है, अलग टाइप का स्टाइल में एकदम आ जाते हैं। जब मैंने उनको देखा तो जब मैं आईटीआई में आया तो एडमिशन ले लिया। तो आपको भी इसी तरीके से यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई में बिना बेहिचक कोई कुछ भी कहे आप एडमिशन लीजिए, जिस तरीके से मैंने एडमिशन लिया एडमिशन लीजिए, वो 2 साल बेफालतू में कमरे में सो करके और घर से घी ला करके खाके अपना सो करके नहीं बिताना है समय। 2 साल का समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। आप उस कॉलेज में जा करके, या कोई नहीं आ रहा है ठीक है, लेकिन आप कॉलेज में जाइए, उन मशीनों को देखिए, समझिए, थ्योरी घर पर पढ़िए, तो उससे क्या फायदा होगा आपको, आप 2 साल के अंदर पूरे टूल्स जितने भी फिटर या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के रहते हैं सारे टूल्स आप सीख जाएंगे। जब आप सारे टूल्स सीख जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई हम
बहुत अच्छा पढ़े हैं आगे, और आपको जो जो पढ़ाई आप करोगे 2 साल में वो आपके नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ अभी जो जो चीजें उन सब में काम आएगा। तो हमने आईटीआई स्टार्ट कर ली, 2 साल हमने पढ़ाई कर ली। तो जैसे हम आईटीआई कर लेते हैं जिस तरीके से मैंने किया, आईटीआई करने के बाद एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, रोजगार कार्यालय, हर जिले में एक रोजगार कार्यालय होता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उस पेपर की हमें जरूरत पड़ती है, वो रोजगार कार्यालय में हमें अपने आईटीआई को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो आप यदि आईटीआई का रिजल्ट आ जाता है तो आप उस रोजगार कार्यालय जाके अपना रजिस्टर्ड करवाइए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए आईटीआई करने के बाद हमें बीएचईएल में या एनटीपीसी या कोल इंडिया में हमें ट्रेनिंग करनी है, जिस तरीके से मैंने किया था। जब मेरा क्या हुआ, मैंने आईटीआई कर ली लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि हमें ट्रेनिंग करने के लिए बीएचईएल में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगेगा। तो जब मैं बीएचईएल गया और मैंने वो फॉर्म भरा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने मांगा भाई कि भाई अपने झांसी जिले का आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दीजिए। लेकिन मेरे पास था नहीं, मैं हड़बड़ा गया। अब मैंने लोगों से पूछा, जैसे ही मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गया तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उन्होंने बोला कि ये तो 7 दिन में होगा भाई। पहले के समय में ऐसा हो जाता था, जैसे मैं 9, 10, 11 की बात बता रहा हूँ, अभी तो खैर एक ही दिन में हो जाएगा। और तो इसमें दिक्कत हुई, इतने में यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन में आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लेट हो गए, इधर डेट निकल गई, तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको पहले से पूरा काम करके रखना है, आपको आगे के लिए नहीं सोचना कि जब होगा तब हम करवा लेंगे। जिस तरीके से हमने आईटीआई में 2 साल तैयारी की, तैयारी करने के बाद जैसे ही आईटीआई का रिजल्ट आया, आपको ये नहीं सोचना है कि जब जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की हम तब करवाएंगे। आपको तुरंत जाके जिले में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपने करवा लिया। तो मैंने जो समस्या को फोकस किया, मैंने हड़बड़ी में मैं भागा फिरा इधर से उधर, जब रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया। आपको पहले से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लिखवा के रखना है। इसके बाद आप जैसे ही आईटीआई हो जाती है तो इसमें कई वैकेंसी ऐसी होती हैं दोस्त, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि जिनकी जो पेमेंट होती है, जितनी आपकी पूरी 2 साल की लागत आती है आईटीआई करने में, उतना पेमेंट आपको 1 महीने में मिलेगा। कई कंपनियां ऐसी हैं आईटीआई करने के बाद, लेकिन आईटीआई करने के बाद घर भाग जाने से आपको ऐसा नहीं होगा, आपको डट के तैयारी करनी है। वो कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो होता है, लखनऊ मेट्रो होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, शिपयार्ड होता है, यूपीपीसीएल होता है, सिंचाई विभाग होता है। तो ये कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो केवल हमें आईटीआई मांगती है, लेकिन आईटीआई के बाद एक ट्रिपल सी होता है, कंप्यूटर का जो कोर्स होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो आईटीआई करते करते आप कंप्यूटर का ट्रिपल सी का कोर्स भी कर सकते हैं। इससे आप आईटीआई के बाद किसी भी नौकरी का, जो मैंने नौकरियों के नाम लिए हैं, इसके अलावा और भी नौकरी हैं, आप जाकर के साइबर कैफे के यहाँ जाइए या सरकारी रिजल्ट के जो वेबसाइट है गूगल पे जाके उस पर देख सकते हैं, देखते रहिए आप जो भी वैकेंसी आ रही है। तो जैसे आईटीआई के बाद हमारा रिजल्ट आ गया तो हम इन नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद हम पास भी कर सकते हैं। क्यों पास कर सकते हैं, हमने 2 साल क्योंकि लगातार तैयारी की। लेकिन मैंने जो किया, मैंने जब 2 साल लगातार तैयारी की तो मैंने नौकरियों के लिए एग्जाम दिया जो आईटीआई के बाद जो नौकरी होती है, लेकिन उसमें कई एग्जाम थे, उसमें फाइट करा, कई एग्जाम थे ऐसे फाइट नहीं किया। लेकिन मेरा अगला जो टारगेट रहा, जब मैंने बीएचईएल झांसी में अप्रेंटिस के लिए फॉर्म फिलिप किया तो एक 50 नंबर का टेस्ट हुआ हम लोगों का, फिटर थ्योरी का। तो हमने वो टेस्ट दिया तो उसमें हमारे काफी सारे अच्छे नंबर आए, तो हमारा सिलेक्शन अप्रेंटिस में बीएचईएल झांसी में हो गया। तो फिर हमने जो फोकस किया कि भाई अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस में पढ़ते हैं, तो हमने 1 साल जो अप्रेंटिस किया उसमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई की, क्योंकि बीएचईएल या किसी फैक्ट्री के अंदर हमें वो टूल देखने को मिल जाएंगे जो टूल हमें किसी आईटीआई में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री बहुत बड़ा आईटीआई का ग्रुप होता है, जो हमारा आईटीआई होता है छोटा छोटा रहता है। फैक्ट्री में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनको हम करते हुए देख सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे पंचिंग होती है, कैसे ड्रिलिंग होती है, ये सारी चीजें हम अपने सीनियर से सीख सकते हैं। कई बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, जब अप्रेंटिस ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें नाश्ता खा करके और इधर उधर घूम करके अपनी पूरी 1 साल बिता देते हैं। जिस तरीके से मैं भी अभी बीएचएल में जब ड्यूटी करता हूं टेक्नीशियन पद पर, तो मैं कई सारे बच्चों को समझाता हूं कि भाई 1 साल का टाइम तुम ऐसे नाश्ता करके और घूम के और मोबाइल चला के मत बिताइए, अन्यथा आगे पछताने के लिए आपको हो जाएगा। लेकिन जो है आजकल के बच्चों को थोड़ा ज्यादा समझाने से थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि जैसे भैया ज्यादा हमें समझा रहे हैं, तो भाई जिसको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है, समझाना हमारा काम रहता है। ये मैं बीएचएम झांसी में सब बच्चों को समझाता हूँ। तो आपको जो 1 साल ट्रेनिंग करनी है उसमें जिस तरीके से मैंने 1 साल समय का यूटिलाइज करके समय का सही उपयोग किया और पूरी सारी थ्योरी समझी, तो आपको भी जब कभी ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग करते करते आप थ्योरी पढ़िए, तो उसके बीच बीच में जो आईटीआई वाले एग्जाम है वो आप देते रहिए और ट्रेनिंग भी करते रहिए।
तो जो एक हमारा नौकरी का रास्ता आईटीआई के बाद खुला था, एक नौकरी का रास्ता अप्रेंटिस के बाद खुलेगा। अप्रेंटिस के बाद कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, तो अप्रेंटिस के बाद आप जो भी महारत्न कंपनियां हैं जैसे बीएचएल है जो अपने इंडिया में 13-14 जगह पर है, एनटीपीसी बहुत सारी जगह पर है, कोल इंडिया है, कोल इंडिया में भी आप अप्रेंटिस करने के बाद एग्जाम दे सकते हो। अप्रेंटिस के बाद वाले एग्जाम में और आईटीआई वाले एग्जाम में क्या फर्क रहता है वो मैं बता देता हूँ। आईटीआई वाला एग्जाम होता है उसमें भीड़ बहुत अधिक आती है, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे एकदम फैसल होते हैं, होशियार रहते हैं, तो उनकी और उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। लेकिन अप्रेंटिस के बाद जो एग्जाम होता है उसमें संख्या थोड़ा कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम दोस्त? इसलिए कम हो जाती है क्योंकि आईटीआई के बाद कुछ बच्चे जो रहते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। आईटीआई के बाद जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है वो अपना परिवार बसा लेता है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद परिवार बसाने में टाइम नहीं लगता है। ये आप इशारा हमारा समझ गए होंगे, इशारा कहाँ जा रहा है। जैसे ही बच्चे एम्प्लॉयमेंट होता है उनके यहाँ घर पर रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। पर मेरा रिश्ता तो पहले ही आ गया था भाई, मैंने आईटीआई भी नहीं किया था, मैं तो पहले से ही परिवार में बन गया था, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई यदि शादी हो जाती है तो नौकरी नहीं लगती है, पर मैंने उसको उस सिद्धांत को जो गांव में लोग सिद्धांत कहते हैं कि भाई शादी हो जाए तो नौकरी नहीं लगेगी, तो उस सिद्धांत को मैंने फेल करते हुए मैंने शादी के बाद भी मैंने आईटीआई किया और नौकरी पाया। ठीक है, तो आप शादीशुदा हैं ठीक है, नहीं है तो ठीक है, इस पर कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि आपके दिल के अंदर आपके मन के अंदर दृढ़ संकल्प है तो आप भी नौकरी पा सकते हैं और अपने परिवार को बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं बता रहा था कि आईटीआई के बाद जो बच्चे रहते हैं ज्यादा अप्रेंटिस का बच्चों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि कई बच्चे अपना परिवार बसा लेते हैं। एक जगह जब कोई व्यक्ति सेटल हो जाता है आईटीआई के बाद वाली नौकरी पा करके, तो फिर वो नौकरी की तलाश नहीं करता है। तो कई बच्चे उसमें भी रहते हैं कि तलाश करते हैं लेकिन संख्या इतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो जो अप्रेंटिस जब मैंने की, तो अप्रेंटिस करने के बाद फिर मैंने एग्जाम दिए जो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियां थी, उसमें कई सारी कंपनियां जो है बहुत अच्छी भी थी, जैसे बीएचएल है बहुत अच्छी कंपनी है। तो मैंने भोपाल बीएचएल में जब पेपर दिया अप्रेंटिस करने के बाद, तो उसमें 20,000 लगभग बच्चे बैठे थे, तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे उनको कुछ मालूम ही नहीं था। तो अपनी जो तैयारी थी वो मैंने 2 साल आईटीआई में भी करी, 1 साल अप्रेंटिस में भी की, और हमारे जो सीनियर थे उनसे भी हमने सीखा कि किस तरीके से हम पेपर दे सकते हैं, अच्छे दोस्तों से सीखा। तो इस तरीके से जो मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, आप भी ये समय का सही सदुपयोग करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अपना परिवार बसा सकते हैं, अपने परिवार माता पिता का सही पालन पोषण कर सकते हैं, जो आज के समय महंगाई के दौर में इसकी जरूरत है। आपको हाथ पे हाथ रख के घर पे नहीं जाना है। जिस तरीके से जब मैंने आईटीआई कर ली, आईटीआई करने के बाद में जब घर पहुंच गया तो लोग आगे कहने लगे कि भाई अब तो कुछ होने वाला नहीं है, आईटीआई तो ऐसे बहुत करे बैठा है, वो उस गांव में बैठा है, उस गांव में बैठा है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि कोई भी बच्चे के अंदर यदि दृढ़ संकल्प है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आप किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, और यदि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है तो आप हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं फिटर की इलेक्ट्रीशियन की वीडियो हमेशा 2-3 दिन में अपलोड करता रहता हूं, और बहुत अच्छी अच्छी तुम्हें सुविधाएं बताता रहता हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और एग्जाम को पास करना है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।